सतवास के काटाफोड़ में शुक्रवार को क्षेत्र के किसानों ने वर्ष 2020 में नष्ट सोयाबीन की फसल का बीमा और राहत राशि की तीसरी किस्त के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार चंद्रशेखर परमार को दिया। किसानों ने बताया कि प्रदेश के अन्नदाता किसानों के द्वारा अनेक बार आवेदन के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया है। वर्ष 2020 में सोयाबीन की फसल संपूर्ण नष्ट हो गई थी और देवास जिले को शासन द्वारा आपदा ग्रस्त घोषित किया गया था, मगर आज दिनांक तक 16 माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश के अन्नदाता किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं हो पाई। जबकि किसान बीमा इसलिए करवाता है ताकि उसे आपदा में सहायता प्राप्त हो, मगर आज फसल बीमा प्राप्त करने के लिए शासन के सामने बार बार गुहार लगा रहा है। सतवास से जीतू सिंगे की रिपोर्ट। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आपका जो आया हुआ है आपका ज्ञापन, हम शासन को शासन स्तर की मांग है आपकी, तो शासन तक हम पहुँचवा देंगे। आप निश्चित रहिए, हमारी तरफ से जो भी मदद होगी हम यथासंभव प्रयास करेंगे। यहाँ के हमारे गांव के सभी नागरिक किसानों की मांग लेके यहाँ आए हैं। आज किसान कांग्रेस के आह्वान पे हम सभी दल के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था यहाँ पे और किसानों की आवाज़ उठाना था, मगर दुर्भाग्य कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, मगर हम सब आज कांग्रेस के जितने भी हमारे किसान हैं, जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, सब इकट्ठे होकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं। उनको उनकी मुआवजा राशि के लिए, उनकी बीमा राशि के लिए जो दो दो साल से पेंडिंग है, जो आज तक नहीं मिल रही है, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो हमारे किसान अध्यक्ष ने बोला अभी कि अगर और बिजली के बिल जो हमारे पिछले लॉकडाउन से जो माफ़ होना थे, जो आज तक वो माफ़ नहीं हुए हैं, तो इन मांगों को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं और आज हम ये निवेदन करने आए हैं प्रशासन से कि इन सब मांगों को जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर इसका निराकरण करा जाए। अगर ये निराकरण नहीं करेंगे तो इसकी अगली कार्रवाई में हम इस पर आंदोलन करेंगे, या अगर भगवान ना करे अगर मौका दिया गया इस तरह से का, तो हमको चक्का जाम भी करना पड़ेगा और जेल भी भरना पड़ेगा। तो हम सब किसान भाइयों के साथ हम कांग्रेस के हर व्यक्ति जाने को तैयार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।